नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल वुड फेस में। आज इस वीडियो में एक और बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट देखने वाले हैं जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी चल रहा है। ये फोल्डर है अल्टीमो पैनल कंपनी का जो कि मुंबई बेस है। प्रोडक्ट का नाम जो है मुरानो है और मार्केटिंग बाई क्लिस्टा। क्लिस्टा भी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इनके भी काफ़ी सारे डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं और ये पूरे नॉर्थ इंडिया का इन्होंने काम लिया हुआ है। तो सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ डिस्प्ले आपको पहले दिखा देते हैं। एक्चुअल जो सीट्स का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का है। पैनल आएगा आपका 8x2 साइज का और थिकनेस इसकी आएगी 1.5 mm की। और ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो है अक्रैलिक, जो मिरर वाला सीट जो आता है मिरर अक्रैलिक लेमिनेट है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से कोटिंग और अलग अलग तरीके के प्रोसेस से बन के फिर इस तरीके का लुक निकल के आता है। काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं इसमें। और इसके बाद मैं आपको पूरी फोल्डर की रेंज भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें कि इससे भी ज़्यादा रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके के इंटीरियर से रिलेटेड और प्रोडक्ट देखने के लिए। ये जो है एक डेकोरेटिव प्रोडक्ट है हाईलाइट के लिए, मतलब कि आप इसको अपने इंटीरियर में यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी केयरिंग वाला प्रोडक्ट है। इसको मतलब कि लगाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी और कंपनी का कुछ, ये जैसे कि फोल्डर आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो एप्लीकेशन के कुछ लिस्ट वगैरह बने हुए हैं। उसके अलावा जैसे कि सारे इसके फीचर्स वगैरह आप देख सकते हैं इसमें। बाकी फोल्डर के अंदर जो है आपका ये पूरी सीट का जो सैंपल्स लगा हुआ है, तो एक तो सैंपल आपको बड़ा मिलता है, उसके अलावा आपको इसमें फोल्डर में एप्लीकेशंस भी देखने को मिल जाते हैं कि लगने के बाद किस तरीके का लुक आने वाला है। और ये फिर ये छोटे छोटे पीस में भी आपको सैंपल देखने को मिलता है। सैंपल की सबसे खास बात ये है कि जो 8x2 का जो पैनल है उसका जो पूरा का पूरा सीट का जो लुक है वो आपको इतने छोटे सैंपल्स में भी आपको कंपनी ये दिखा रही है। तो मतलब कि आप देख सकते हैं एक साइड में कि किस तरीके का पैटर्न है और यही साइड में मतलब कि आपको एक छोटे से सैंपल में पूरी सीट का लुक देखने को मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे हैं इसमें। इसमें आपको मैट फिनिश, उसके अलावा जैसे ग्लॉसी फिनिश, कलर कॉम्बिनेशन जो है इसमें जैसे कि गोल्डन, कॉपर, सिल्वर, अलग अलग तरीके के जो मिरर लुक्स जो आते हैं अक्रैलिक मिरर लेमिनेट में, उसी तरीके का कलर कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड है कि मतलब कि आप किस तरीके का डिज़ाइन चूज़ करते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग और कलर कैसा मतलब कि चूज़ करते हैं। बाकी ये जो है इसको आप एक लेमिनेट की ही तरह इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि अक्रैलिक लेमिनेट तो जैसे कि फर्नीचर या किचन वगैरह के ऊपर जो शटर्स पे लगाए जाते हैं इसको भी आप मतलब कि फर्नीचर पे लगा सकते हैं। मतलब कि उसके अलावा जैसे कि वार्डरोब, अलमीरा, अब किचन के शटर्स पे आप लोग इस तरीके का डिज़ाइन तो नहीं देंगे, उसको थोड़ा सा केयर करने की भी ज़रूरत है क्योंकि इसमें जो ग्लॉसी का जो लुक है ना अक्रैलिक पे, तो बार बार जैसे कपड़े वगैरह मारने से हो सकता है कि हल्का फुल्का आपको स्क्रैचेस या उस पर निशान देखने को मिले। तो मतलब कि ऐसी जगह आप इसको लगाइए जहाँ पर ज़्यादा हाथ वगैरह बच्चे ना लगा पाएँ या और आपके भी ना लगें, तो इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। बाकी हल्के से गीले वगैरह कपड़े से इसको साफ़ सफाई कर सकते हैं। और जब सीट आपके साइट पे पहुँचे तो उससे पहले मतलब कि एक तो कंपनी इसके ऊपर पॉलीथीन लगा के देती है, तो सारा जब फिनिशिंग का वर्क हो चुका हो तभी जाके इस सीट को लगाएं और उसके बाद में पॉलीथीन बाद में इसको उतारें ताकि कोई पेंट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना इसके ऊपर मतलब कि गिर जाए जो कि जिसको साफ़ करने के लिए आपको किसी भी केमिकल का मतलब कि यूज करना पड़े, क्योंकि अगर कोई भी केमिकल इस पर आप अगर यूज करते हैं तो हो सकता है कि इसका कलर फेड हो जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसको ध्यान में रखनी है। बाकी हाईलाइटर प्रोडक्ट है तो इंटीरियर में वैसे तो काफ़ी अच्छा लगने वाला प्रोडक्ट है। ये किसी भी एक वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने बेड की जो बैक वॉल है उसको आप एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। और बाकी जैसे कि अक्रैलिक लेमिनेट जिस तरीके से पेस्ट होता है उसी तरीके से इसको भी पेस्ट कर सकते हैं। और अक्रैलिक के आजकल मतलब कि स्पेशल एडहेसिव आता है, फेविकोल कंपनी की भी आती है, जीवन जोड़ का भी आता है, एक्स्ट्रा पीवीसी हो गया या फेविकोल का आपका जैसे प्रो बॉन्ड भी आने लगा है जो कि अक्रैलिक के लिए काम करता है। और बाकी इसका जो बेस है वो आप जैसे MDF दे सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप लगा नहीं सकते हैं, तो इसके पीछे आप जैसे कि MDF हो गया या आजकल HDHMR चल रहा है, प्लाईवुड हो गया, या फिर उसके अलावा जैसे कि आपका PVC या WPC बोर्ड, तो उसके ऊपर आप इजीली इसको पेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो डिज़ाइन है काफ़ी सारे मतलब कि सीट्स में इसका कॉम्बिनेशन भी बनता है जिस तरीके से एप्लीकेशन में दिखाया हुआ है,
तो आप इस तरीके से पूरा एक वॉल को मतलब कि एक ही तरीके का कंटिन्यूटी मतलब कि बनती बनेगी, मतलब कोई भी सीट अगर इसमें से लगाते हैं, ज़्यादातर इसमें ऐसे डिज़ाइंस हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, बाकी आप कंपनी के भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।